दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम जो है अपने एंड्रॉयड फ़ोन में एंड्रॉयड 12 को जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं एंड्रॉयड 12 को डाउनलोड करने का जो है कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा, तो वीडियो को देखते हुए आप भी इजीली अपने फ़ोन में जो है एंड्रॉयड 12 को जो है इंस्टॉल करें व इस अपग्रेड हुए वर्जन का जो है आनंद लें। तो इसके लिए आप बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल टेक यादव के साथ। दोस्तों एंड्रॉयड 12 को फ़ोन में इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की जो सेटिंग है, सेटिंग का ऑप्शन आपको ओपन कर लेना है। सेटिंग के ऑप्शन में आप देखोगे कि सॉफ्टवेयर अपडेट का एक जो है सॉफ्टवेयर अपडेट का एक सबसे नीचे एक ऑप्शन है, तो सॉफ्टवेयर अपडेट के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अगर सॉफ्टवेयर अपडेट आप तभी कर पाओगे जब आपका फ़ोन इसकी परमिशन दे रहा है या आपके फ़ोन में मैसेज या सॉफ्टवेयर अपडेट के जो है ऑप्शन में आपको कुछ मैसेज टाइप का शो कर रहा है, तो ही आप जो है अपने फ़ोन में जो है सॉफ्टवेयर को अपडेट करके और वहां पर जो है एंड्रॉयड 12 को जो है इंस्टॉल कर सकोगे। अगर आपके फ़ोन में मैसेज या कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट का कोई भी कुछ शो नहीं कर रहा है तो आप जो है अपने पुराने जो है आपका जो है एंड्रॉयड वर्जन है उसी से आप काम चलाना। अगर सॉफ्टवेयर अपडेट का आपके फ़ोन में बोल रहा है तो आप इसको जो है ज़रूर अपडेट करें। अपडेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो डाउनलोड नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसमें आपको नीचे शो कर देगा कि ये कितने साइज़ का जो है इसमें कितना डाटा कंज्यूम होगा, तो उतना डाटा जो है आपको मोबाइल में रखना है और जो है ईजिली आप जो है इसको इंस्टॉल कर पाओगे। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है ईजिली अपने फ़ोन में जो है सॉफ्टवेयर को अपडेट करें। अपडेट करने में आपको कोई क्यूरी हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मेरे से जितना हो सके मैं आपको इसके बारे में जो है समस्या का आपकी समस्या का जो है समाधान करूँगा। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। थैंक यू।